नागेश्वर धाम मीनेश भगवान की, श्री राधा मदन मोहन जी महाराज की, कैला माता की, मेहंदीपुर बालाजी की, बिरवाजन देवी माता की, करणपुर वाली गुमानो माता की, क्षेत्रपाल बाबा की, नसीर बाबा की, महावीर जी भगवान की, आप सब की। आज के इस हरियाला राजस्थान के हरियाली तीज के अवसर पर इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके जिले के प्रभारी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब और आपके अपने लाडले ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमेशा सपोटरा विधानसभा की चिंता करने वाले, अगर एक काम लेकर के आता है वो हो जाता है तो तीन काम लेकर के और आ जाता है, ऐसी चिंता करने वाले भाई हंसराज मीना जी, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, मोतीलाल मीना जी, संभाग के प्रभारी हेमराज मीना जी, प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बृजलाल टिकोलिया जी, चेयरमैन नगर परिषद पूनम चौधरी जी, चेयरमैन गंगापुर सिटी शिवरतन गुप्ता जी, प्रधान गंगापुर मंजू प्रधान जी, श्रीमती गीता माली प्रधान मडरायल, धीरेन्द्र बैसरा जी जिला महामंत्री, गजेंद्र सिंह जी महामंत्री, इंदु जेदी देवी जाटा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, हमारे जिले के प्रभारी प्रेम प्रकाश जी, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी मान सिंह जी, पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप जी, पीआर मीना जी, श्रीमती राजकुमारी जाटव जी, पूर्व विधायक हिंडौन रविंद्र जैन जी और मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने बैठे पूजा योग बुजुर्गों, मेरे दिल के टुकड़े युवा साथियों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के यहां आने पर मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हरियाली तीज का त्योहार है और आप जानते हैं हरियाली तीज का त्योहार हम सब किसान भाइयों के लिए बहुत ही पावन और अच्छा होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं हरियाली तीज के अंदर चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, फसलें भी लहराती होती हैं, और अगर हरियाली तीज के दिन इंद्र भगवान की मेहरबानी हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देने चाहता हूं। आपने देखा होगा कई तो हरियाली तीज और रक्षाबंधन का इंतजार करते हैं, अरे बूरा खाने जाना होता है ना उनको, बूरा खाने खांड खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और नई शादी वाले को तो बड़ी जल्दी लगती है, वो तो हरियाली तीज और रक्षाबंधन का इंतजार करता है कि हमको जाना है, ससुराल में जाना है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हमारे हैं हरियाली तीज, और इसी के दिन हरियाणा राजस्थान वन महोत्सव का हमारा 75वां उत्सव पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा है, और राजस्थान के अंदर इसलिए
की आज आवश्यकता है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, ये हमारे पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, ये हमारे जीवनदायक होते हैं, हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, सुखद करते हैं। इसलिए मैं भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को एक अभियान प्रारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, आज हरियाली का त्योहार है, रंग बिरंगे पोशाकों में और लहरिया पहनती हैं आज के दिन। इसलिए मैंने कहा कि हम पूरे राजस्थान के अंदर हरियाली राजस्थान का कार्यक्रम हरियाली तीज के दिन करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के अंदर आज 1 करोड़ पौधों से ज्यादा पूरे राजस्थान में लगाए गए, 1 करोड़ पौधों से ज्यादा। हमने संकल्प लिया है कि इस साल हम कम से कम 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान सुखद होगा, संपन्न होगा, विकसित राजस्थान होगा। हम हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं, हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम लगाइए। अगर मां है तो मां को साथ रखिए और एक पेड़ लगाइए, अगर मां नहीं है तो मां का फोटो है तो लगाइए नहीं। मां को याद करते हुए हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगाइए। और वो लगाना ही नहीं है, उसकी परवरिश भी हमको करनी है, उसको ठीक तरह से हम परवरिश उसकी करें, जिससे कि वो हमारे जीवन में हमको एक ऊर्जा देता रहे कि ये पेड़ मेरी मां के नाम से है। और उस पेड़ में आपको पता है, एक पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसका कितना बड़ा लाभ होता है, हमें पेड़ से फल भी मिलते हैं, हमें पेड़ से छाया भी मिलती है, और हमारे अगर उस पेड़ से हमारे पक्षियों को घोंसला भी मिलता है और उनको उनका भोजन भी मिलता है, और लंबे समय तक वो पेड़ एक याद के रूप में, याददाश्त के रूप में रहता है। इसलिए मैं आपसे आज के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि इस पौधारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का अभियान हमारी इस धरती मां को हमें स्वर्ग भी बनाना है, और जब हरा भरा हमारा राजस्थान होगा, और अभी आप देख रहे हो, मैंने आगे देखा पहाड़ियों के बीच में किस तरह का हरियाली है, अब की बार इंद्र भगवान की भी मेहरबानी है, बंसीवारे की भी मेहरबानी है कि पूरी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने, हम चुनाव में गए थे, आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया, और आपने जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ आपने सरकार को बनाया, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। आपने देखा होगा जो आपसे वायदे किए थे, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी, हमने उसी दिन से हमारा कार्य प्रारंभ कर दिया, और 16 दिसंबर को जो हमारे युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जिन किसानों के बेटे को, जिन युवा भाइयों के सपनों को रौंदने का काम किया है,
उनको हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। हमने कहा और आपने देखा होगा, लगातार लगातार हर महीने 10-20 लोगों की गिरफ्तारी होती है, और अब आपने देखा होगा वो गिरफ्तारी स्टार्ट हुई और 115 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी एसआईटी ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमने कहा है कि हमारे युवाओं के साथ जितने कुठाराघात किया है, जिनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनको हम एक एक को सबक सिखाने वाले हैं। हमारे विरोधी कहते हैं अभी आपने मछली पकड़ी है, मगरमच्छ रह रहे हैं। सुदर्शन से कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो मछली हो मगरमच्छ हो, सबका इलाज होके रहेगा, सबका इलाज होके रहेगा। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं, हमने कहा था कि हमारे किसानों के बेटे जो उनके पिता कहते हैं कि वो आगे चल करके अगर उसको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो वो परिवार का सहारा बनेगा। और आप जानते हैं पिता किस तरह से पढ़ाता है, कहां से लाता है, कहां से नहीं लाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी मैंने घोषणा की कि इस साल हम 1,00,000 नौकरियां देंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 1,00,000 नौकरी, अरे मैंने कहा जिसका मन बड़ा होगा, करने का उद्देश्य होगा, और जो करना चाहेंगे वो आपको आपके सामने ही करके बताएंगे। इस साल में ही 1,00,000 युवाओं की भर्ती हम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम हमारे 5 साल में हम 4,00,000 नौकरी देने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 साल में 4,00,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। हमने वायदा किया है, और आपने देखा होगा हमने किसानों से भी वायदा किया था कि हमने कहा किसानों को भी सम्मान निधि हमारी सरकार देगी, 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, और हमने इस वर्ष 2,000 रुपए बढ़ाने का काम किसान सम्मान निधि में हमारी सरकार ने किया है, और पहली किस्त 1,000 रुपए की 29 जून को आपके खाते में पहुंच गई। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने गेहूं पर MSP बढ़ाने का काम किया, हमने किसानों के जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारी माता बहने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती थी, उनको भी हमने कहा कि उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाएंगे। हमने 1,000 रुपए से 1,150 रुपए करते हुए उनके खाते में डालने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस सावन तीज के अवसर पर 51,00,000 वृक्ष मित्र हम जो बनाएंगे उनको प्रशंसित पत्र प्रदान करेंगे। पौधों की पालना पुण्य काम के लिए पुराणों में कहा गया है, हम की वृक्ष लगाना और वृक्ष को पालना, ये मानिए एक बच्चे को और एक बच्ची को पाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक पेड़ लगा करके उसके पालने की जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। मित्रों यह राजस्थान की धरती है, और यह राजस्थान की धरती ऐसी है कि जो वृक्षों के लिए, पर्यावरण के लिए मां अमृता देवी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और अपने आप को ही नहीं 363 हमारे पुरुष और महिलाओं ने, 363 महिलाओं ने वृक्ष के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी वृक्षारोपण के अवसर पर हम पूरी तरह से इस काम को करें। मैं आपको सपोटरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि सपोटरा के
में जितना हमने इस बजट में दिया है, मैंने हंसराम जी को कहा कि जरा पिछले बजट भी देख लेना, सपोटरा को कितना दिया है और इसको देख लेना, अगर डबल हो तो मानना नहीं मत मानना। लेकिन आप अब देखिए, आपने जनप्रतिनिधि की अभी वो सिफारिश करा रहे थे, मुख्यमंत्री जी मेरा एक काम और रह गया है। अभी तो ये कह रहे हैं कि इतना, मैंने कहा अभी 8 महीने बाद और आने वाला है, बोले इतना चिंता करने वाले ऐसे हंसराम जी, तो आपने देखा होगा कि सलेमपुर से बाढ़ सलेमपुर बालोती डाबरा शेखपुरा ये सड़क 30 किलोमीटर सड़क है और ये 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है, ये सपोटरा को देने का काम किया है। कर चौड़ा गांव जोड़ली पहाड़पुरा पुगना से 14 किलोमीटर 11 करोड़ की लागत से ये भी बनने वाली है। करसाई से मोहली आलमपुर बाजितपुर पर्या सड़क चौड़ाई 11 किलोमीटर, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यही नहीं, कैला देवी आस्थाधाम के बाईपास के चौड़ाईकरण के लिए 7 किलोमीटर, इसके लिए भी 9 करोड़ रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, कुड़गांव से मक्कनपुर अलीखम जटवाड़ी बालोती डावरा इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। लोदिया मोड़ से गहराई रोड गोकलपुर सलेमपुर की घाटी करौली रोड से क्या इसके लिए 3,45,00,000 रुपए इसके लिए दिए हैं। अगर आप चिकित्सा विभाग में देखोगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सपोटरा को उप जिला चिकित्सा केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। उप जिला अस्पताल मंडराइल को भवन निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए दिया गया है, 40 करोड़ रुपए। उप जिला अस्पताल सपोटरा और मंडराइल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित 5 चिकित्सकों की नियुक्ति तो होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु उपकेंद्र खोला जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखा है कि हमारा किसान, क्योंकि किसान के पास एक दूसरा कोई अगर काम है तो वो पशुपालन का काम है, उससे किसान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है। तो हमने कहा यह क्षेत्र हमारा ऐसा है जहां पशुपालन के लिए जाना जाता है, हर किसान के पास पशु होते हैं, तो पशु बीमार अगर होता है तो उसकी सुविधा उसको वहीं मिले, तो उसके लिए पशु उपचार केंद्र खोलने का काम किया है। कुड़गांव में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया गया है। यही नहीं मेरे भाइयों, सपोटरा विधानसभा में समसा से 32 विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण कार्य कराए जाएंगे, इसके लिए 5,64,00,000 रुपए मंजूर किया है। सपोटरा विधानसभा में 67 विद्यालय जो जर्जर हैं, उनके भवनों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। जल एवं विद्युत विभाग के लिए जल मिशन के तहत इसमें 56 करोड़ रुपए मंजूर किया है और इसमें 132 सपोटरा विधानसभा क्षेत्र कुड़गांव में विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी जीएसएस स्वीकृत किया है। इसी तरह महिला बाल विकास में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र, परवन रोडवेज बस स्टैंड हेतु स्वीकृत सपोटरा क्षेत्र में मडराइल में 3 नवीन रोडवेज बस स्टैंड भी बनेंगे। ये 25 किलोमीटर घटाकर कुड़गांव में ये भी किया गया है, भोजपुरा में सपोटरा में इसमें भी हमने पुलिस विभाग में कुछ चौकियां को थाने इस तरह के भी किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार जरा देख लेना, हमने इतने सपोटरा के अंदर विधानसभा के अंदर पूरे विधानसभा के अंदर जो हमने काम मंजूर किए हैं, और ये मंजूरी नहीं, आज हमारे यहाँ मुझे प्रभारी सेक्रेटरी भी मिले और हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, ये जगह चिन्हित भी करेंगे और जल्दी से जल्दी इनका शिलान्यास भी होने वाला है, इसलिए ये जल्दी काम भी पूरे होंगे। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं
तब कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की फितरत ऐसी बन गई है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा, हमने विधानसभा के अंदर हमारा बजट पेश किया है, इसमें कांग्रेस के लोगों ने भी उसकी तारीफ की है, और तारीफ इसलिए नहीं की, तारीफ उन्होंने इसलिए की है कि हम राजस्थान को अपना राजस्थान मानते हैं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम अपनी जनता मानते हैं, और हमने हर विधानसभा में जहां आवश्यकता थी हर विधानसभा में हमने काम करने का बजट दिया है, जिससे हमारी जनता को पूरा का पूरा लाभ मिले। लेकिन उनको बजट में बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनके यहां भी हमने काम किए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वो झूठ के सिवाय और कुछ नहीं कहते। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वो बरगलाने का काम करते हैं, और आपने देखा होगा पिछली बार उन्होंने बरगलाया था कि किसान का हम ऋण माफ करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि ऋण माफ उन्होंने किया? 5 साल उन्होंने कहा कि नहीं का हम ऋण माफ करेंगे, उन्होंने ऋण माफ किया क्या? आपका ऋण माफ हुआ क्या? इस तरह के झूठ बोलने वाले लोग, और अभी कहते हैं कि ये आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, आरक्षण हटा देगी, किस तरह की बात करते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया, जनता को बरगलाने का काम किया। आपने देखा होगा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब से दिया है। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर इस देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और भाई और बहनों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया था, इंदिरा जी ने भी दिया था, राजीव जी भी देकर के चले गए, बीच में मनमोहन सिंह जी भी आ गए, अब सोनिया गांधी भी दे रही हैं, और अब उनका बेटा राहुल बाबा भी कह रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। हम उससे पूछना चाहते हैं, अरे आपको किसने मना किया था? मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इस देश में राज करने वाली कांग्रेस ने 70 साल में पूरे देश के अंदर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम भी नहीं किया, गांव तक सड़क पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ला करके पूरे देश को गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, और जो रह गए थे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने का काम किया। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने 2014 के पहले भी भारत देखा होगा, राजस्थान देखा होगा, 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार था, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद था, देश के अंदर जिस तरह से सेना हमारी निराश थी, अरे यहां तक पड़ोसी आतंकवादी सेना के लोगों के सिर काट करके ले जाते थे, अगर ये 2014 से पहले का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, वो धरातल तक पहुंची है। वो इसलिए कि राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे गांव तक पहुंचते हैं, अरे कहां जाते थे, पैसा घिसता था क्या सड़क पर आते आते? नहीं, वो भ्रष्टाचार में जाता था। लेकिन आज जितना पैसा केंद्र से आता है खाते में उतना का उतना पैसा आता है, भ्रष्टाचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारे विकास की योजनाएं, दुनिया में बढ़ता हुआ आतंक, देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया, और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर के इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं, विकसित राजस्थान बढ़ाने का काम करें। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं, उनका लाभ आप सभी जन जन को मिले, हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मिले। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों का सहयोग करें और जो योजनाएं हमारे केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं का लाभ उस गरीब भाई को, मेरे गांव का, मेरे बाड़ में रहता है, मेरी ढाणी में रहता है, उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसकी चिंता भी हमें करनी है। अंत में मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए और अभी मेरे को बताया कि वृक्ष और लगाने वाले हैं आप, अपने जो आपने वृक्ष चिन्हित किए वहां लगाने वाले हैं। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपने मेरा स्वागत और सत्कार किया है, इसके लिए मैं मंच पर विराजमान और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी के इतनी बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मुझे मिला, मैं बहुत ही इस बात से लेकर के मेरे मन में आपके प्रति बहुत बड़ा मान और सम्मान है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत